हेलो दोस्तों, आज बात मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को उर्दू में मरीख और इंग्लिश में मार्स कहते हैं। 3 बिलियन यानी 3 करोड़ साल पहले ये कैसा दिखता था, इस पर बात। सैयारी मरीख पर समंदर ही समंदर है। हालिया एक जायजे के मुताबिक साबित होता है कि 3 बिलियन से ज़्यादा साल कबल ये आइसलैंड की तरह ही नज़र आता था। इस सैयारे के इलाके आइसलैंड में बनी कॉलोनियों की तरह ही नज़र आते थे। 2012 में मरीख की तहकीक के लिए एक मिशन भेजा गया था। क्यूरियोसिटी रोवर नामी मिशन के जरिए गिल क्रिएटर गिल मिशन के तहत मरीख की मालूमात हासिल की जा रही है। क्रिएटर गिल मिशन ने मरीख की अराजियात की तहकीकात की और इसके ताल्लुकात से इनकशाफ किया है कि उसके इलाके मौजूदा आइसलैंड की तरह ही नज़र आते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने मरीख के पत्थरों का मुआयना किया है और ये मुआयना उसने 8 बरस तक जारी रखा। हालांकि इस तहकीक से सैयारे के मौसम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल सका है। JGR प्लेनेट्स में शाये होने वाले रिपोर्ट के मुताबिक मरीख पर नदियां मिली हैं और मिट्टी के पत्थर हैं, जिनकी वजह से तलछट बना है और तलछट बहकर एक जगह जमा हो गया था और उसने छोटे छोटे पहाड़ बना लिए थे। राइस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने क्यूरोसिटी की डेटा को हासिल किया है और उसकी अराजियात का मुआजना आइसलैंड में बनाई गई कॉलोनी से किया है। इसके साथ ही मरीख पर मिलने वाले पहाड़ और आइसलैंड के बर्फ से लदे हुए पहाड़ों का भी मुआजना किया गया है और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई है। ज़मीन की तहकीक करने वाले माहरीन के मुताबिक मरीख और आइसलैंड के माहौल में काफ़ी सिमिलैरिटी मिली है, यानी यकसानियत मिली है। क्यूरोसिटी टीम की एक मेंबर क्रिस्टन सीबाख ने बताया, हमने मरीख के दर्ज हरारत की भी पैमाइश की है और उससे माजी के मरीख के बारे में काफ़ी मालूमात मिलती है। हालांकि हम मरीख के मौसम के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सके थे, इसलिए आइसलैंड और मरीख के मौसम की यकसानियत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मरीख एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर ये कहा जाता है कि दुनिया की आबादी आगे चलकर के 2, 10, 20 या उससे भी ज़्यादा सालों में वहीं शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सारे मामलों में हमारी जो अर्थ है उससे सिमिलैरिटी रखता है। तो इसलिए साइंसदान उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आगे चल कर के अगर दुनिया का बोझ बढ़ा तो फिर हम उसे मरीख पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी रोवर नाम का एक मिशन वहाँ भेजा गया अमेरिका के जरिए, और जो वो मुसलसल अपना काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट लगातार आती रहती हैं और वो न्यूज़पेपर्स में शाये होती रहती हैं, यानी छपती रहती हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी जो थी पहले भी रही होगी और इसकी जानकारी दे भी दी गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।